कल मैंने अपने एक स्टूडेंट से पूछा कि भाई गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है, और उसने मुझे जवाब दिया कि दोनों सेम ही होते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले गिट को समझने की कोशिश करते हैं, गिट है क्या। तो गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसका मतलब क्या है? तो यार, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कोई गेम यूज करते हो, तो आपने उसमें देखा होगा एक वर्जन आते हैं, वर्जन 1.0.0, 1.0.1, दीज आर द वर्जन ऑफ अ सॉफ्टवेयर। अभी सोचो कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं तो मैं ये सारे वर्जन कैसे मेंटेन करूंगा? क्या मैं ऐसे करूंगा कि मैंने कुछ बना दिया, वो हो गया, और फिर उसको मैंने स्टोर करके एक जगह पे रख लिया, फिर कुछ और ऐड किया, फिर एक और दूसरा वर्जन बन गया, उसको ऐड करके रख लिया? नहीं यार, अपन प्रोग्रामर है, वी आर स्मार्ट। तो व्हाट वी यूज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो ये सारी चीजें अपने आप मैनेज कर देता है, एंड दैट इज गिट। तो आप अपनी वर्जन हिस्ट्री को जाके देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि आपने पहले क्या कोड लिखा था, अगर आपने कोई गलतियां की तो आप उसको सुधार सकते हो, और इस तरह से आप अपने लोकल कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हो। अब आप पूछोगे गिट तो हो गया, पर गिटहब क्या है? तो आप समझो कि एक वीडियो होती है और एक यूट्यूब होती है। तो होता क्या है कि आप वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर देते हो, इसी वे में जो आपने गिट पे जो भी काम किया, एक गिट रेपोजिटरी बोल देते हैं, और इस गिट रेपोजिटरी को अगर आप ऑनलाइन ले आओगे और एक कहीं पे होस्ट कर दोगे, तो वो जो होस्टिंग के लिए वेबसाइट यूज होती है, वो होती है गिटहब। इससे फायदा क्या है, आप अपना कोड किसी के साथ शेयर कर सकते हो, और कोई दूसरा पर्सन सेम कोड में आपके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। सो दिस इज द मोस्ट ऑसम पार्ट अबाउट गिटहब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, हैप्पी कोडिंग, थैंक यू।